नमः संस्कृता मित्रों, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अखिलेश सर, आप लोगों से मैं संस्कृत विषय की चर्चा करने जा रहा हूं। मैं आप लोगों से 2019 सुपर टेट में जो संस्कृत से 10 प्रश्न आते हैं उनसे संबंधित मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। देखिए, संस्कृत में जो भी 10 प्रश्न हैं, कहने के लिए तो 10 प्रश्न हैं, लेकिन पढ़ना सभी पड़ता है। संज्ञा, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप, अपठित गद्यांश, पद्यांश, इन सभी को पढ़ना है और इन सभी से ही प्रश्न आते हैं। तो मैं इन सभी को बहुत ही सरल ढंग से और ट्रिक के माध्यम से आप लोगों के सामने मैं चर्चा करूँगा। निश्चित रूप से ऐसा मेरा विश्वास है कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को सुपर टेट में उच्चारण स्थान से चर्चा करने जा रहा हूँ कि उच्चारण स्थान है क्या। उच्चारण स्थान से एक प्रश्न आता ही आता है, एक प्रश्न उच्चारण स्थान से बनता है। ठीक है, तो मैं इसको आप देखिएगा कि मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा और कैसे ही सरल ढंग से आप इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, मैं तीन बातें उच्चारण स्थान में बताऊंगा आपको, एक परिभाषा, एक सूत्र, एक परिभाषा, एक ट्रिक। इन तीनों में जो आपको अच्छा लगेगा आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान, उच्चारण माने बोलने का स्थान। जिन वर्णों को, जो भी वर्ण हम अपने मुख से बोलते हैं, मुख में विभिन्न प्रकार के स्थान होते हैं, कंठ, ताल, दंत, ओष्ठ, मूर्धा, ये विभिन्न प्रकार के हमारे मुख के अंदर ये उच्चारण के स्थान बनाए गए हैं। इन्हीं स्थानों से हम वर्णों को बोलते हैं। अगर इन स्थानों के अतिरिक्त जिन वर्णों को जहाँ से बोलना है उन वर्णों को अगर हम अन्यत्र स्थानों से बोलेंगे तो उस वर्ण का शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाएगा। इसीलिए पाणिनी व्याकरण में महर्षि पाणिनि ने वर्णों को उच्चारण करने के लिए नियत स्थान निर्धारित किया है। ऐसा कहा जाता है कि उच्चारण स्थान जो होते हैं 8 प्रकार के माने जाते हैं, लेकिन सूत्र जो हैं 11-12 लिखे गए हैं। ठीक है, तो जिन वर्णों को हम अपने मुख के विभिन्न स्थानों से उच्चारित करते हैं वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है या माना जाता है। ये उच्चारण स्थान संभवतः 8 प्रकार के होते हैं, सब पाणिनि जी का मानना है। पाणिनि जी जो हैं, महर्षि पाणिनि, उच्चारण स्थान 8 प्रकार के ही मानते हैं। एक प्रश्न यह भी बनता है कि महर्षि पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है? तो महर्षि पाणिनि के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या 8 ही होती है। ठीक है, तो मैं आपको क्रमवत पूरी बात बताऊँगा धीरे धीरे। तो आइए देखते हैं, पहला उच्चारण स्थान, देखिए पहला है सूत्र, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ। तो देखिए, पहला सूत्र आपका है कंठ, उच्चारण स्थान पहला है कंठ, इसका यह सूत्र है, यह पहला सूत्र है। ठीक है, तो इस कंठ, कंठ की परिभाषा यह है
कि जिन वर्णों को हम अपने कंठ के स्थान से उच्चारित करते हैं, जिन वर्णों को हम अपने कंठ भाग से उच्चारित करते हैं, वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ कहलाता है। जिन वर्णों को हम अपने कंठ के स्थान से बोलते हैं, वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ कहलाता है। अब कंठ के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? कंठ के अंतर्गत कंठ से बोले जाने वाले कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो वही बात इस सूत्र में लिखा गया है। पहला लिखा है अ, फिर लिखा है कू। कू माने होता है का वर्ग, कू माने का वर्ग, का वर्ग माने क, ख, ग, घ, अंग, ठीक। और फिर लिखा है यहाँ पर ह, फिर लिखा है विसर्ग, विसर्ग, विसर्ज माने होता है विसर्ग, विसर्ग, विसर्ग बोले तो हमारी आपकी दोनों आँखें, विसर्ग बोले तो हमारी आपकी दोनों आँखें। देखिए अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चार प्रकार के वर्ण हैं, अर्थात बहुवचन हैं, तो यह पूरा सूत्र जो है बहुवचन में है, तो षष्ठी बहुवचन में है। विसर्जनीया नाम आम राम नाम साम, आम राम नाम साम यदि किसी शब्द के अंत में आता है तो वह षष्ठी बहुवचन का रूप माना जाता है। आम राम नाम साम, जैसे रामाराम, वृथानाम, नदी नाम, स्त्रीणाम, पुरुषाणाम, बानराणाम, बालिकानाम, बालकानाम, वृक्षाणाम, चंद्राणाम, आम राम नाम साम यदि अंत में आता है तो वह षष्ठी बहुवचन का रूप होता है, ध्यान रखिएगा। तो यह षष्ठी बहुवचन का रूप है, ठीक है ना। तो अ का, कु, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ठीक। विसर्ग बोले तो हमारी आपकी दोनों आँखें। अब देखिए अ, अ, अ अगर बोलते हैं अ, तो यह कंठ से निकलता है कि नहीं? अ बोलेंगे तो कंठ से। क, ख, ग, घ, अंग, क, ख, ग, घ, अंग, अंगा नहीं अंग, इस तरह से बोला जाता है। इसको नासिका का सहारा लेंगे, ठीक। तो जब बोलेंगे तो यह कंठ से निकल रहा है, अर्थात इन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होगा। फिन ह, ह भी बोलते हैं तो कंठ से निकल रहा है। फिन विसर्ग, तो विसर्ग को हम किस वर्ण से संबोधित करते हैं? विसर्ग को हम ह वर्ण से संबोधित करते हैं, ह। जैसे देखिए किसी शब्द के अंत में यदि विसर्ग लगा है तो हम क्या पढ़ेंगे? राम, ह, ह, ह बोल रहे हैं कि नहीं? विसर्ग को हम क्या बोलते हैं? राम, ह, राम, ह, ह बोलते हैं, ठीक। तो विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कंठ से होता है। तो देखिए दो बातें हमने बताई आपसे। पहला नंबर सूत्र याद कर लीजिए, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, पहला नंबर। दूसरा नंबर एक परिभाषा याद कर लीजिए कि अ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, ठीक। तीसरी बात आपको हम ट्रिक बता रहे हैं। तीसरी बात ट्रिक, ट्रिक क्या है? अ, कु, हवि, अकु, हवि, कंठ, अकु, हवि, कंठ, अकु, हवि, कंठ, यह आपका ट्रिक है, ठीक है ना। अकु, हवि, कंठ, यह आपका ट्रिक है, आप इससे याद कर लीजिए। नहीं पूरा सूत्र याद कर पा रहे हैं मत याद करिए, नहीं परिभाषा समझ में आ रही कुछ कोई बात नहीं है, लेकिन इसको दिमाग में रखिए। अकु, हवि, कंठ, अकु, हवि, कंठ, अकु, हवि, कंठ से मतलब क्या है? अ माने अ, कु माने क, ख, ग, घ, अंग, कु माने क, ख, ग, घ, अंग, चू माने च, छ, झ, ञ, टू माने ट, ठ, ढ, ढ, आ, त,
तू माने तथ दधन, पू माने प फ व भ म, तो कु चु टु तु पु, ठीक है ना। तो कु माने क से अंगतक, ह और भी माने विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, कई मिनट हुआ, ठीक है ना, ये बात समझ में आई? ठीक, तो आप चाहे सूत्र के माध्यम से, चाहे परिभाषा के माध्यम से, चाहे ट्रिक के माध्यम से, ये तीन बातें हम आपको उच्चारण स्थान बता रहे हैं, इससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगला सूत्र की चर्चा हम कर रहे हैं। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। दूसरा है ताल, इसका सूत्र है एचो यसा नाम तालुः, एचो यसा नाम तालुः। अब देखिए तालु, तालु कहाँ है, तालु कहाँ है? कुछ लोग जो है मुंह में उंगली डालते हैं, ऐसे करते, ये सब नहीं। आगे के ऊपर वाले दांत के ठीक पीछे वाला भाग तालु कहलाता है, आगे के ऊपर वाले दांत के ठीक पीछे वाला भाग तालु कहलाता है। जिन वर्णों का उच्चारण हम तालु भाग से करते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों को हम तालु से बोलते हैं, या जिन वर्णों को बोलते समय हमारी जिह्वा तालु भाग को स्पर्श करती है, वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान माना जाता है। ठीक, इसका सूत्र है ईचु यसा नाम तालु। तो देखिए ईचु यसा नाम तालु, ईचु यसा नाम तालु, ई चू, चू माने च वर्ग माने च, छ, ज, झ, इय और य और श का उच्चारण स्थान तालु है। ठीक है ना, देखिए ई ई ई ई, आप जब बोलेंगे तो आपकी जीवा ताल में स्पर्श करेगी, च, छ, ज, झ, ई जब बोलेंगे तो आपकी जीवा ताल में स्पर्श करेगी, ये भी जब बोलते हैं तो जीवा ताल में स्पर्श करेगी, और श, श, श जब बोलेंगे तो भी जीवा ताल में स्पर्श करेगी। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ठीक है, तो आप सूत्र याद करिए, नहीं सूत्र याद हो पा रहा है, परिभाषा नहीं परिभाषा याद हो पा रहा है, तो आप ट्रिक याद कर लीजिए। ठीक है, क्या है? ईचू ईचू यस ताल, ईचू यस ताल, इचु 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 यस ताल, ई चू माने च छ ज झ ञ, य और श का उच्चारण स्थान ताल होता है। ठीक है, इन दो सूत्रों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, फिर अगले सूत्र की व्याख्या मैं आगे वीडियो में करूँगा। आज मैं इतना ही, मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि अगर यह मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, कोई कमेंट करना चाहते हों, कुछ पूछना चाहते हों, कुछ जानना चाहते हों, तो आप चंद्रा इंस्टीट्यूट के इस नंबर पर 8299310097 2829
3100097 इस नंबर पर आप कॉल करके कोई भी जानकारी आप पूछ सकते हैं। ठीक है मित्र, मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि मेरी बात समझ में आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा, तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करके आप डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।